अपने वर्डप्रेस वेबसाइट जो मेरा है, जो कि वो लाइव दिखा दे रहा हूँ, इसका बैकअप कैसे बनाना है। तो वेबसाइट लाइव है जो आप देख सकते हो, ये रहा मेरा डोमेन, और इसको मैं अपना लॉगिन कर ले रहा हूँ, और फिर लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको खोलना है, फाइल मैनेजर पे जाना है, उसके बाद डॉट पब्लिक डॉट HTML खोलना है। इसमें आपके मेरे पास 24 फाइल्स टोटल दिख रहे हैं, सबको सेलेक्ट कर लेना है, उसके फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड टू आर्काइव, और इसके फिर इसको सेलेक्ट करना है जिप फाइल में, तो इसका नाम डाल देना है वेब बैकअप, सॉरी बैकअप, और इसको कंप्रेस पर क्लिक कर देना। तो ये सारी चीज़ें में थोड़ा टाइम लगेगा, देख सकते हो तो ये बैकअप बन चुका है, 25 फाइल। अभी ये आपको यहीं पे HTML मिल पाएगा, इसको क्लिक करना है और इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये देखते हैं बैकअप डाउनलोड होने लगा है, इसका साइज़ है 90 MB का, ठीक है, बैकअप को डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो न्यू होस्ट नेम होगा उसके उसमें आप इंस्टॉलेशन कर लो, ठीक है, वर्डप्रेस जिस डोमेन में आपको करना है उसको डाउनलोड कर लो, और उसका जो इंस्टॉलेशन जो वर्डप्रेस होगा वो वैसे ही रहने देना, और ये उसका फिर जो पब्लिक डॉट HTML जो आपका आएगा इस जगह, ठीक है, फाइल मैनेजर से आप कोई न्यू होस्टिंग खोल रही हो जिस पे आपको डालना है, तो उसको क्या करना है, आपको पब्लिक डॉट HTML खोलना है, जो इसको सारे डिलीट कर दो आप, ठीक है, सारा के सारे डिलीट कर दो सारे फाइल्स, ठीक है, और उसके बाद वो सारे फाइल को डिलीट करने के बाद इसको आप फिर उस जगह अपलोड कर दोगे ड्रैग करके पब्लिक डॉट HTML में दूसरे डोमेन पे जिस जगह आपको डालना है, और उसको कंप्रेस करके फिर एक्सट्रैक्ट कर देना। उसके फिर आपको करना मेन काम, बस एक मेन काम बच जाएगा, कॉन्फ़िगर, इसको आपको क्लिक करना है, इसमें आप डेटाबेस देख सकते हो, ठीक है, ये डेटाबेस यूज़र नेम डेटाबेस और हॉस्ट लोकल होस्ट, और इसमें से पासवर्ड देख सकते हो, ये मेरा अभी वाले डोमेन का है, जो उसको आप चेंज कर देना, वो अपना डोमेन का जो अभी जो आप न्यू वेब वर्डप्रेस बनाओगे उसका जो आपका होगा सिंपल डेटाबेस वो अपडेट कर देना, और आपका साइट लाइव हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।